फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग आज हम देखेंगे व्हाट इज मैकेनिकल हैंडलिंग यूज ऑफ मेन मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स इन इंडस्ट्री हजर्स इन मैकेनिकल हैंडलिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस इन मैकेनिकल हैंडलिंग अभी डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल मेटेरियल हैंडलिंग जब एक इंडस्ट्री में मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करके मैटेरियल फीडिंग ट्रांसपोर्टिंग मूविंग लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है उसे मैकेनिकल मटेरियल मैटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग में जो इक्विपमेंट्स यूज होता है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर हो सकता है अभी देखेंगे मेनली क्या क्या मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री में यूज होता है इंडस्ट्री में कौन सा मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होगा वो ट्रांसपोर्टेबल मटेरियल के कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि वेट सेप साइज फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर रेट ऑफ हैंडलिंग परपोज एंड डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्स्टेकल इफ एनी स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द फ्लोर पाथवे एंड डिरेक्शन ऑफ मूवमेंट अभी देखेंगे मेन मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या इंडस्ट्री में यूज़ होता है पहला है ई क्रेन और इलेक्ट्रिक ओवर एड ट्रैवलिंग क्रेन जो कि यूज होता है लिफ्टिंग शिफ्टिंग एंड प्लेसिंग एनी वेयर इन द ट्रैवलिंग एरिया नेक्स्ट वन इज जीप क्रेन दैट इज मोबाइल और गैंट्री क्रेन लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग एट डिजायर्ड प्लेसेस नंबर थ्री इज पावर ट्रक्स जो कि यूज होता है थ्री और फोर व्हीलर ट्रक टू पिक होल्ड एंड कैरी और ट्रांसपोर्ट मेटेरियल्स नेक्स्ट वन इज कन्वेयर Transporting or carrying material between two fixed points. Useful at a feeding device where manual feeding is unsafe. Workers should not ride on the conveyors. Next one is lifting tackle. They are rings and slings uh, like chain or rope, metal or fibers, hooks, shackle and swivel. They are used to connect load or containers to any lifting device. Next one is forklift truck. It is a power truck having project, uh, projecting fork to pick, hold, carry, and unload or replace the material or container. May be power driven or battery operated. Conveniently used on smooth floors. Next one is payloaders, power shovel, winch, crab, pullers, and hydraulic and pneumatic jacks. Uh, used to dig, lift, and transport heavy material. ৱেল ট্ৰেণ্ড অপৰেটৰপৰ এণ্ড গুড মেণ্টেনেছ আেৰি ফাৰ দিছ নেক্সট জ লিফট্ছ এণ্ড এলিৱেটৰ্চ মূব্ছ ভৰ্টিকল হৰেজেণ্টল আৰু ইন এনি অন ইলেকটেৰিয়েল ডিৰেকশ্যন ডেট ইজ কেবুল পাথ বিট ফিক্স পইণ্ট লিফ্ট ভৰ্টিকলি এণ্ড কেৰি মটেৰিয়েল ঔৰ পেক হেষ্ট থ্ৰী টাইপ লাইক ইলেকট্ৰিক নিউমেটিক্ড হেণ্ড অপৰেটে চেইন হ फूज बटन केबल्स मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए चेन टू प्रोजेक्ट अगेंस्ट स्ट्रेन नेक्स्ट वन इज मोनोर शुड बी वेल सपोर्टेड ऑन बोथ हैंड लाइक ए हेंगिंग ब्रिज यूजफुल टू लिफ्ट लोड एंड कैरी होराइजेंटली बिटवीन टू फिक्स तो अभी हम देखेंगे हजर्स इन मेकेनिकल मेटेरियल हैंडलिंग नंबर वन इज इक्विपमेंट और मशीनरी को विदाउट इंस्पेक्शन यूज करना नेक्स्ट वन इज गलत टूल और मशीन सिलेक्शन करना सही चीज़ के लिए प्रॉपर मशीन यूज़ ना करना सारे के वजह से फिंगर कट होना मैकेनिकली डैमेज एंड फॉल्टी इक्विपमेंट यूज़ करना ऑपरेशन के लिए सफिशियंट स्पेस ना मिलना लिफ्टिंग प्रोसीजर ठीक से यूज़ ना करना और शॉर्टकट अप्लाई करना अनएक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर और पुअर लिफ्टिंग एंड रिगिंग अनबेलेंस्ड मेटेरियल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट लिमिट से ज़्यादा लोड कैरी करना और ज़्यादा स्पीड में मशीन को ऑपरेट करना विदाउट नॉलेज मशीन को ऑपरेट करना तो ये हो गया सभी हाजर्स जो कि मैकेनिकल मैटेयल हैंडलिंग में अवेलेबल होता है नेक्स्ट कम टू सेफ्टी प्रिकॉशंस इन मैकेनिकल हैंडलिंग नंबर वन इज़ प्रॉपर पी और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्ुपमेंट यूज़ करना कैपेसिटी के हिसाब से लिफ्टिंग टूल्स और हॉइस्ट यूज करना ऑथराइज्ड पर्सन को मशीन यूज करने के लिए अलाउ करना सभी टूल्स एंड लिफ्ट के ऊपर एस डब्ल्यू एल और सेफ वर्किंग लोड मार्क करना नंबर फिफ्थ इज फंक्शंस ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन लिमिट स्विच और इमरजेंसी स्विच को ठीक से वर्किंग करता है या नहीं चेक करना नेक्स्ट सभी लिफ्टिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स को एलोकेटेड प्लेस में पार्क करना नंबर सेवन पाथवे ऑफ पाथवे ऑफ कैरिंग लोड्स शुड भी अनऑबस्ट्रिक्टेड और अनब्लॉक्ट नेक्स्ट जहाँ पे मैकेनिकल हैंडलिंग ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा है उस लोकेशन को बैरिकेड करना नेक्स्ट मशीन और इक्विपमेंट को प्रॉपर स्पीड में ऑपरेट करना नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग टाइम पे अलर्ट रहना चाहिए और सिग्नलिंग ठीक से करना चाहिए Friends, this is all about mechanical material handling. Hope you would have gained some knowledge about it. Please like, share the video, and subscribe my channel. Thank you.